जानवरों को दिए जाने वाले चावल को इंसानों को बांटे जाने के लिए कमलनाथ सरकार दोषी है, यह कहना है नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा चावल की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और इस मामले की सभी सच्चाई सामने आएगी। चावल के मसले पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा निश्चित रूप से यह बहुत ही गंभीर विषय है। इंटेलिजेंस के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को यह अवगत कराया गया था कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में बिहार से और अन्य स्थानों से घटिया चावल आ रहा है और उसके बदले में अच्छा चावल यहां से भेजा जा रहा है। यह बात उस समय के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए थी, परंतु उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसके कारण यह घटिया चावल जनता तक पहुंचा और इसीलिए पूरी तरह से कमलनाथ सरकार की लापरवाही या मिलीभगत थी जिस कारण यह चावल प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचा। इसमें सीधे तौर पर कमलनाथ इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहां वहां की बात करने से वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इसीलिए कमलनाथ और कांग्रेस को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा ईओडब्ल्यू मामले की जाँच कर रही है। देखिए कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति का जन्म अगर किसी ने दिया इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को मात्र एक सांसद के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उस समय कांग्रेस ने किस तरह से खरीद फरोख्त की थी, पार्लियामेंट में सांसद नोटों की गड्डियाँ लेकर पहुँचे थे, तो ये ऐसे अनेक उदाहरण पूरे देश में है। ये कांग्रेस की संस्कृति है और जिसकी संस्कृति जैसी होती है वो बाकी के बारे में भी वैसा ही सोचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है, ईओडब्ल्यू पूरी जांच करेगा और इसमें जो जो भी लोग दोषी होंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।